बहुत खूबसूरत है अच्छा है ना उनका टेस्ट बड़ा अच्छा है और फ्रान का अपना टेस्ट भी बहुत अच्छा है हमारे बैच का सबसे टेस्टफुल लड़का होता था एक जमाने में अच्छा ये दिवालिया ना ये भी बहुत खूबसूरत है दिखाओ जारू जरा अपनी लिस्ट में चेक करो जाहिद साहब का नाम है या है। तुमने अपने सुसावरों को कार्ड भेज दिया ससुराल so, वालों को मैंने कॉल भी कर दिया और कार्ड भी भेज दिया तुम अपने लिए भी कुछ बनवा लेती ना तुम लोगों की फर्स्ट एनिवर्सरी भी तो करीब है देखते हैं फिलहाल इतना भी करीब नहीं है हम तुम्हें कसम है यार तालीम की तरफ तवज्जो ना देना बस आवारा गर्दी पे फोकस रखना आपको या बाइक पे फिरना या फिर कंप्यूटर पे बैठ जाना बस अब्बा सिर्फ मेरे रिजल्ट थोड़ी खराब आया कोई सारे डिपार्टमेंट का ही खराब आया है और मैं आपसे कह तो रहा हूं इंशाल्लाह अच्छे नंबर लेकर पास हो जाऊंगा अगले साल यार वो साल कब आएगा सुन सुन के मेरे तो कान पक गए अगले साल अगले साल अगले साल पता नहीं तुझे शर्म भी नहीं आती है यार तू तो ये भी नहीं सोचता तू तो कर क्या रहा है ओ भाई खुदा का वास्ता है तेरे तो दाखले के लिए तुझे एडमिशन दिलवाने के लिए सिफारिश करनी पड़ती है तेरे ग्रेड इतने बुरे होते हैं हमेशा नौकरी के लिए भी सिफारिश करनी पड़ेगी कम से कम नंबर ऐसे ले ले सिफारिश करते हुए तो शर्म ना आए ना पता नहीं इसको क्या हो गया हमेशा ही पढ़ने वाला बच्चा था यूनिवर्सिटी जाके ऐसा हो हमेशा से ऐसा ही था सेकंड डिविजन ही आती रही पता नहीं तुम्हें कौन सा हमेशा याद है और कुछ नहीं तो अपनी बहनों से ही कोई सबक सीख लो अब्बा वो लोग तो शुरू से ही लायक थी शुरू आखिर कुछ नहीं होता शुरू से लायक है शुरू से मेहनत की है ना उन्होंने पढ़ी है वो कभी अपनी मां को शर्मिंदा नहीं होने दिया अब्बा उनकी माँ तो बहुत पढ़ी लिखी है प्रिंसिपल है स्कूल में मेरी माँ की तरह कम पढ़ी लिखी नहीं है बच्चियों को खुद पढ़ाती है वो अगर मेरी माँ भी पढ़ी लिखी होती तो आज मैं भी लाइक फाइक होता कमिश्नर लगा हुआ होता किसी जगह पर आप लोगों के ताने नहीं सुन रहा होता शर्म नहीं आती खराब आया तोड़ी माँ में निकाल रहा है बिल्कुल ठीक इल्जाम लगा रहा गलत नहीं कह रहा तुमने भी जिंदगी भर किया क्या है बस टीवी देख लिया या पड़ोसियों के पास चली गई जाके इधर की उधर उधर की इधर कभी तुमने ये सोचा कि बेटे के साथ कुछ सर खपाई करूं कोई मेहनत करूं को इसके मुस्तकबिल के बारे में सोचो अच्छा चलें छोड़ें। आप पी अल्लाह है ना अल्लाह अल्लाह तो सबका रासिक है लेकिन अल्लाह का ही फरमान है अपने दिमाग को खोलो मेहनत करो आगे बढ़ने की कोशिश करो जुस्तजू करो ओ अब्बाप नमाज का वक्त हो गया मैं नमाज पढ़ लूं जी पढ़िए बिल्कुल चलिए इस बहाने आप कम से कम इस बहस से तो बचेंगे बस और कुछ नहीं तो नमाज के बहाने ही निकल जाओ पांच मेरी बेटियां हैं पांचों ने मुझे इतना परेशान नहीं किया जितना तुम्हारे एक बेटे ने टेंशन दी है या आप हर वक्त तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटा क्यों लगाए रखते हैं मैं मै नहीं लाई हूं आपका भी बेटा है अगर उसकी तरबियत में कोई कमी रह गई है तो गलती आपकी भी है मैंने कोई गलती तो नहीं की ना जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं जिन्हें भगतमा पढ़ रहा है मुझे अच्छा वो मैं एक बात सोच रही हूँ मनबूबा तैयार हो गया दिमाग में मैं सोच रही हूँ अगर एम ए करने तक राफिया इसे अपने साथ रख लेना तो ये सुधर जाएगा ये राफिया की सुनता भी बहुत ज्यादा है फिर राफिया पढ़ी दिखी है जो तो वो इस पे दे सकती है ना मैं नहीं दे सकती मैंने बहुत बार सोचा है ये लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती क्या वो लेके बात करो उससे मुझे वैसे पूरा यकीन है आप कहेंगे ना तो राफिया इनकार नहीं करेगी आप कहें तो सही एक बेटे की खातिर मैंने उसे छोड़ा था बेटा ही झोली में डाल के उसके सामने चला गया अब कड़े मुड़ते ही उखेड़ते रहेंगे या आगे की भी सोचेंगे वैसे भी आपने कौन सा उसको तलाक दे दिया अभी भी वो आपकी बीवी है